यूपीएससी प्रतियोगियों का जंतर मंतर पर सत्याग्रह। पीएम मोदी से आयु सीमा में 2 साल छूट की मांग कर रहे हैं छात्र। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है और इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। देश भर से यूपीएससी की परीक्षा देने वाले हजारों छात्र जुटे हुए हैं यूपीएससी परीक्षा के लिए और 2 मौकों की मांग कर रहे हैं छात्र। कोरोना की वजह से 3.5 करोड़ छात्रों की परीक्षाएं छूटी हैं और ये चाहते हैं इनको 2 और मौके दिए जाएं ताकि वो इन एग्जाम में अपीयर हो पाएं। और इसकी मांग के लिए जंतर मंतर पर तमाम छात्र इस वक्त बैठे हुए हैं जो सरकार से मांग कर रहे हैं। तो कोरोना ने ऐसा तोड़ा, जंतर मंतर पर लाकर छोड़ा, आप समझिए। यहां पर हम आपको बता रहे हैं सत्याग्रह पर यूपीएससी प्रतियोगी, यूपीएससी प्रतियोगिता में बैठने वाले देश भर के छात्र यहां पर आए। देश के अलग अलग प्रदेशों का यूपीएससी परीक्षा देने वाले हजारों छात्र यहां पर जुटे हुए हैं और इनकी मांग क्या है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आयु सीमा में 2 साल की छूट की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 साल की छूट इनको और दी जाए और ये कह रहे हैं कि प्रतियोगी यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा के लिए 2 और मौके इनको दिया जाए। कोरोना की वजह से लाखों छात्र हैं जो यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाएं नहीं दे पाए, उनकी परीक्षाएं छूट गई। देश भर में 3.5 करोड़ छात्रों को कोरोना का नुकसान झेलना पड़ा। प्रतियोगियों का कहना है कि परिजनों के कोरोना पीड़ित होने से कई छात्र मानसिक तनाव में थे, कोरोना काल में मानसिक तनाव के चलते ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई और इसलिए उनको सरकार की तरफ से ये छूट दी जाए। मानव यादव ने हमारे सुनाता मानव यादव ने एक रिपोर्ट भेजी इसी से जुड़ी हुई, वो दिखाते हैं आपको। मानव यादव के पास चलते हैं जो जंतर मंतर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। मानव, जरा बात कर सकते हैं इनसे, इनका क्या कहना है? गौरव, मैं इनसे बात करूंगा, इनकी दर्द भरी कहानी आपको सुनाऊंगा कि कोरोना काल में इन लोगों ने क्या कुछ सहाय। उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, ये जंतर मंतर की तस्वीर है और ये लोग कहीं ना कहीं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ साथ एसएससी आईबीपीएस भी परीक्षाएं होती हैं, केंद्र जो परीक्षाएं कराता है उनको लेकर भी ये लोग यहाँ पर एक तरह से जुटे हुए हैं। और अब मांग ये है कि इनको 2 अतिरिक्त अटैम्प्ट दिए जाएँ, 2 साल की आयु सीमा है वो बढ़ाई जाए क्योंकि इनको लगता है कि ये लोग कोविड पॉजिटिव भी थे, इनके परिजन कोविड पॉजिटिव थे, कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है कोरोना के चलते, कई सारे डॉक्टर्स हैं जो एक तरह से कहे कि सिविल सेवाओं की तैयारियाँ कर रहे थे लेकिन उनकी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगी थी, वो तैयारी नहीं कर पाए, बिना तैयारी के ही परीक्षा देने गए और उनको लगता है कि वो अपना बेस्ट परीक्षा में नहीं दे पाए। सीधन से बात करते हैं, हमारे साथ मेघा है, मेघा तेलंगाना से आती है, आपकी क्या कहानी है, आपका कैसे अटैम्प्ट खराब हुआ बीते साल? मेरा 2 साल की अटैम्प्ट बर्बाद हुआ क्योंकि पहले साल के मेरे पापा पैरालाइज हुआ मेंटली बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन कोरोना की वजह से, एंड दूसरे साल में मेरी माँ की मौत हुई थी, इस वजह से दोनों अटैम्प्ट मेरा खराब हुआ, अभी बस एक ही बचा हुआ था मेरा। और कुछ लोग देखिए ये बिहार से आते हैं और इन्होंने 3 बार जो सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की परीक्षा है वो पास की हुई है, 3 बार आपने परीक्षा पास करी, बीता पिछला जो अटैम्प्ट था वो आपका कोविड के चलते खराब हो गया, अब क्या मांग है? मांग यही है कि हमारा जो लॉस हुआ है उसका सरकार परिमार्जन करे। 23 अक्टूबर 2020 मेरी सुई वहीं अटक गई है क्योंकि मेरा उस साल प्रीलिम्स में ही सिलेक्शन नहीं होता है जबकि उससे पिछले 3 सालों में बैक टू बैक सिलेक्शन ले रहा था प्रीलिम्स में। तो ये एक दुस्वप्न की तरह है कि आपका सबसे अंतिम प्रयास, आपका सबसे बेस्ट प्रयास होना चाहिए और हम अपना बेस्ट प्रयास ही नहीं दे पाते। मानो इनसे ये पूछिए, इन्होंने किसी एजेंसी से, किसी अथॉरिटी से इस बारे में संपर्क किया और उनकी तरफ से कोई जवाब मिला इनको या सीधे यहां पर आगे जंतर मंतर के कर्तव्य होने के नाते क्या मैं अपने पिताजी को कंधा देता या मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? क्या आपने सरकार से लगातार प्रदर्शन आपका चल रहा है, सरकार से बात करने की कोशिश करी, कोई आश्वासन आपको दिया गया? बिल्कुल सर, हमारे डीओपीटी मिनिस्टर साहब से 2 बार मुलाकात हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन था कि आप एक रिप्रेजेंटेशन उन्हें दे, वो सहानुभूति तो रखते हैं, देश के रक्षा मंत्री जी से भी हम मिल चुके हैं, वो सहानुभूति तो रखते हैं पर मसला ये होता है कि वो नोटिफिकेशन के रूप में परिलिक्षित नहीं होता है। अगर गुजरात ऐसे राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उत्तराखंड ऐसे राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वो जब अपने स्टेट सिविल सर्विस में 1 साल का एज रिलैक्सेशन और अटैम्प्ट दे सकते हैं कोविड के बिहाफ पर, तो केंद्रीय सरकार क्यों नहीं दे सकती? एक बड़ा सवाल यही कि जब राज्य सरकारें कर रही हैं तो केंद्र सरकार फिर क्यों इनकी बात नहीं सुन रही है? और कुछ छात्र यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपनी जमीन बेचकर परीक्षा देने की तैयारी करते हैं लेकिन उनका मौका उनके हाथ से निकल गया। एक पंकज, इनका नाम पंकज है, पंकज जो कहानी आप हमें बता रहे थे वो अगर हम अपने दर्शकों को बता पाएं तो। हमारे सर, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, हम यहाँ 3 साल पहले आए थे दिल्ली, हमारे पास थोड़ी ज़मीन थी तो सर हम कोचिंग के लिए ज़मीन बेच दिए थे, उसके आफ्टर यहाँ आ गए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बैड है और इस समय सर यहाँ पे इतनी बैड है कि थोड़ा 2-3 हज़ार घर से रुपये आते हैं
और दो तीन दोस्त हैं तो उनसे किसी 2000 रुपये लेते हैं, किसी 3000 रुपये लेते हैं, इस टाइप से यहाँ रह रहे हैं। मतलब एक अटेम्प्ट की उम्मीद से कि सर एक अटेम्प्ट मिल जाए तो हम ठीक है। मानो तो देखिए यूपीएससी की परीक्षा के दो मौकों की मांग करते हैं, इनके लिए देश भर से तमाम यहाँ पर अभ्यर्थी जुटे हुए हैं, तमाम यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं जो यहाँ पर जुटे हुए हैं। और इनकी मांग है कि जैसे कृषि कानूनों की वापसी पर का ऐलान हुआ है, सरकार इनकी मांगें भी माने और इनको भी एक्स्ट्रा मौके दिए जाएं ताकि ये भी वहाँ जो इनके सपने हैं, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कड़ी परीक्षा, सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माने जाते हैं यूपीएससी, उसको ये एक बार फिर उसमें अपीयर हो सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।